हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं लगेगी। बिना सीटेट टेट के आप यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। अंबुजा सीमेंट का नाम आपने सुना है, बहुत बड़ी कंपनी है। इनके जो है स्कूल काफ़ी राज्यों में चलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अंबानी ग्रुप के कई स्कूल बहुत सारे राज्यों में हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ में जो है यहाँ पर टीचर्स रखे जाते हैं। काफ़ी सुविधाएं भी जो है दी जाती हैं। अंबुजा विद्या निकेतन शिक्षक भर्ती अर्जेंट रिक्रूटमेंट है। PRT TGT PGT टीचर्स की, तो स्कूल की जो है ये मेन वेबसाइट है। एंड अंबुजा सीमेंट स्कूल, अंबुजा विद्या निकेतन, इसके नाम से बाकी चीज़ें आप जान सकते हैं स्कूल के बारे में जो है, अगर आप समझना चाहें तो। हम देख लेते हैं विज्ञापन जो जारी किया गया है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो PGT की, TGT की, PRT की, काउंसलर की, फिजिकल एजुकेशन टीचर की, स्पेशल एजुकेटर टीचर की वैकेंसी है। इनको जो है अर्जेंट ज़रूरत है टीचर्स की, तो आप ध्यान रखिएगा। जो भी कैंडिडेट जो हैं आवेदन करना चाहेंगे, ऊपर वाही डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो PGT में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी की, तो मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए इन तीन सब्जेक्ट में, साथ में BEd आपका मांगा गया है। TGT में अगर आप अप्लाई करेंगे, इंग्लिश और SST की वैकेंसी है, तो इसमें भी जो है TGT के लिए भी मास्टर डिग्री साथ में BEd। प्राइमरी टीचर्स में मैथ्स, EVS और हिंदी की वैकेंसी है, जिसमें BA, BSc वाले, MA, MSc वाले और साथ में BEd। प्राइमरी टीचर्स के लिए भी जो है BEd मांग रहे हैं, CTET या TET जो है बिल्कुल नहीं मांगा गया है। काउंसलर के लिए जो है केवल मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में, BEd भी नहीं मांग रहे हैं। काउंसलर के लिए अगर मास्टर डिग्री आपने की है साइकोलॉजी में तो बिल्कुल अप्लाई करें। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए VPED, MPED वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में BEd होना चाहिए या फिर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में है तो भी अप्लाई करें, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट उनके पास स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा नहीं है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में BEd वाले भी अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल एजुकेटर में। अब यहाँ पर देखें, क्वालिफिकेशन के साथ में इन्होंने 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस CBSE स्कूल में पढ़ाने का मांगा है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही पढ़ाना होगा और थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, और आज के टाइम में जो है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो सभी को होती ही है। अभी यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो कि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं बट इंग्लिश जो है वो अच्छे से जानते हैं, उनके पास जो है 3 साल का अनुभव भी है CBSE स्कूल में पढ़ाने का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ही पढ़ाना होगा। आप किस मीडियम से पढ़े हैं ये मैटर नहीं करता, आपने आगे जाके जो है CBSE स्कूल में पढ़ाया है और आप इंग्लिश में जो है पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको अपना रिज्यूम भेजना है AVNUPPERWAHI@gmail.com, बस इतना ही करना है, ठीक है। अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा जो है यहाँ भेज देना है। सैलरी जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट हर पोस्ट की अलग अलग रहने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी जो है आपको दी जाएगी। आप ये मानकर चल सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट, इनके जो स्कूल चल रहे हैं तो PGT टीचर्स की जो है 65,000, 70,000 जो है यहाँ पर सैलरी जो है आप सोच सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग जो है सैलरी रहेगी, साथ में जो है और भी सुविधाएं आपको रहेगी, रहने की सुविधा जो है यहाँ पर रहेगी। अब सैलरी से अलग जो है यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी या फिर इसी में इंक्लूड होगी, मेडिकल की सुविधा भी रहेगी, तो ये आपको जो है बाद में पता चलेगा कि रहने की सुविधा जो है वो सैलरी के साथ में ही जो है इंक्लूड की गई है या अलग से है। तो काफ़ी अच्छी जो है वैकेंसी है, बिल्कुल मिस ना करें। आपका सब्जेक्ट अगर है तो केवल मास्टर डिग्री और BEd आपकी PRT TGT PGT में मांग रहे हैं। काउंसलर में तो BEd भी नहीं मांगा जा रहा है, और ग्रेजुएशन के साथ में BEd अगर आपने किया है या स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है तो स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करें। तो मेरा मानना है कि जो भी कैंडिडेट
अप्लाई करने के इच्छुक हैं जल्द से जल्द जो है अप्लाई करें, क्योंकि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है तो 7 डेज के अंदर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद जो है बहुत सारे रिज्यूम जो हैं वो टाइम के बाद भेजे जाते हैं तो उन पर जो है ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अंबुजा विद्या निकेतन ऊपर वही डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, तो ये कहाँ है, तो मेन वेबसाइट पर जो है आप लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी, एड्रेस मिलेगा कि ये किस राज्य की है। यहाँ पर देखें, ये देखिए ये लिखा है उपरवाही, पोस्ट ऑफिस है उपरवाही, तालुका करपाना, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की वैकेंसी है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है कह रहे थे कि अगर महाराष्ट्र की वैकेंसी आती है तो बिल्कुल बताई जाए, एक कैंडिडेट का कहना था अहमदाबाद की वैकेंसी आए तो बताई जाए। तो आप रेगुलर बने रहें चैनल पर, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं और जितने भी राज्यों की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी होते हैं आप लोगों को सूचना बिल्कुल दी जाती है समय पर। अब आप वीडियो अगर लगातार देखते हैं तो बिल्कुल आपका सब्जेक्ट, आपके राज्य की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल आप लोगों को नजर आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।